जन्माष्टमी की धूम तो देश भर में है, लेकिन बाड़मेर में कुछ बेहद खास हुआ है। दरअसल यहां जन्माष्टमी पर 25 किलो चांदी से श्री मुकुंद जी मंदिर की दीवार पर भगवान कृष्ण की शानदार तस्वीर बनाई गई है, जिसमें उनके जीवन की कहानी दिखाई गई है। भक्तों के लिए ये नज़ारा बेहद यादगार साबित हुआ। स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसा बाड़मेर में पहली बार हुआ। ये खूबसूरत कलाकृति 25 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म, बचपन और उनके नटखटपन को देखा जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, इसमें गोपियों के साथ हंसी टिटोली के नज़ारे भी हैं। तो वहीं महाभारत में भी श्री कृष्ण की भूमिका को बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास जानकारी के लिए हमने मुकुंद सत्संग समिति बाड़मेर के कोषाध्यक्ष सुरेश माहेश्वरी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये मंदिर बाड़मेर में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ जन्माष्टमी पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के बारे में डिजाइन की बात करें तो सुरेश बताते हैं कि इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए यहाँ ये कलाकृति की गई। कृष्ण लीला ये मंदिर की दीवार 9x18 के अंदर बनी हुई है। ये पहले इस पे लकड़ी पे काम होता है, उसके बाद चांदी का कार्य होता है। चांदी के पत्थर हमने उदयपुर से बनवा के लेके आए और फिर जो डिजाइन लकड़ी के ऊपर अंकित होती है उस पे वो अपने औजारों से पीट के इसको डिजाइन को सेट करते हैं। इसमें बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। डिजाइन एकदम खुल रही है बिल्कुल भी। और ये कृष्ण लीला तो हमको मंदिर की दीवार वैसे भी खाली थी, इसलिए हमको बनानी थी ताकि एक मंदिर अच्छी भव्य बन सके। इसमें पूरी कृष्ण लीला, कृष्ण का जन्म और कंस का अंत तक सारा चरितार्थ किया गया है। ये पूरा चांदी से बनाया हुआ है। 25 किलो चांदी लगी है और टोटल 25 लाख का खर्च आया है। मंदिर की दीवार पर श्री कृष्ण के जीवन को दर्शाने के लिए की गई कलाकृति को पूरा होने में कुल 3 महीनों का समय लगा। यहाँ जन्माष्टमी पर और क्या क्या खास होने वाला है आपको ये भी सुना देते हैं। कोलीवाड़ा सिरोही के कारीगर थे, 3 महीने में ये तस्वीर पूरी बन के तैयार हुई। बहुत सुंदरता है इसमें, भव्यता बहुत अच्छी है और हर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये बाड़मेर का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें दीवार पे एकदम कृष्ण लीला अंकित की हुई है। पूरे मुकुंद सत्संग मंदिर को भव्य फूलों की सजावट रहेगी। पूरा सजावट फूलों से किया जाएगा। जोधपुर से कारीगर आएंगे, वो मंदिर को चारों तरफ से फूलों से सजावट कर रहे हैं। यहाँ भक्त बहुत आते हैं और जन्माष्टमी के दिन तो यहाँ लंबी लंबी कतारें लगती है दर्शन के लिए। अगर आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा मंदिर है जो बेहद सुंदर है, जिसकी कलाकृति भक्तों का मन मोह लेगी, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपको बाड़मेर के इस मंदिर की कहानी कैसी लगी, इस बारे में भी हमें जरूर बताएं।